सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इसके निजी भागीदार द्वारा किया जाता होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी पीपी के तहत प्रमुख पत्नों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनके तहत FY21-22 में और इसके तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें मंत्रालयों और CPSI के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों की सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी के बढ़ने के अलावा इंडियन सी फेयरों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। भारत ने एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 अधिनियमित किया है और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन तक अपनी पहुंच कायम की है। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 सी रिसाइकलिंग यार्ड्स को पहले ही HKC अनुपालन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो कि लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन LDT है को 2024 तक दोगुना कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, हमारी सरकार ने COVID-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख कदमों की घोषणा की जा रही है। पहला, उज्ज्वला स्कीम जिसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ है का इस हद तक विस्तार किया जाएगा कि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सके। हम अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। वित्तीय पूंजी, हम सेबी एक्ट 1992, डिपोजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार कर सके, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। सरकार GIFT IFSC में एक विश्व स्तरीय या फिनटेक हब विकसित करने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार है। इस दबाव के वक्त में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए और सामान्यतः सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित निकाय के द्वारा दबावयुक्त और सामान्य समय अर्थात दोनों ही स्थितियों में निवेश परक ग्रेड की ऋण सिक्योरिटीज की खरीद की जा सकेगी और इससे बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने देश में सोने के विनियम को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।
I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products to give a further boost to the non-conventional energy sector. गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी को लगाने का है. I propose to amend the Insurance Act 1938. मैं बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किए जाने का है, जिससे इसके लिए बीमा कंपनियों में अनुज्ञेय FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% की जा सके और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को स्वीकृति दी जा सके. इस नई संरचना के अंतर्गत बोर्ड के ज्यादातर निवेशक और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रेजिडेंट इंडियन होंगे, जिनमें कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और लाभ का एक विशेष प्रतिशत सामान्य रूप से आरक्षित रखा जाएगा. एक नई संरचना को स्थापित करके तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए उच्च स्तर का प्रावधान कर सके, इसके लिए ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे बैंक के बही खाते ठीक हो सके. एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथों में लिया जा सके. फिर उसके बाद उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया जा सके और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके, ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके. पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण. पीएसबी की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए और का पुनः पूंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है. जमा बीमा. पिछले वर्ष सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपॉजिट बीमा कवर को 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए तक कर दिए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी. हम इसी सत्र में DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से समय पूर्वक अपनी जमा राशि को इस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो. इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिल सकेगी जो कि इस समय तनावग्रस्त हैं. छोटे मोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए NBFC के लिए, जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को 50,00,000 रुपए के वर्तमान स्तर से कम करके 20,00,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है. कंपनी मामले. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी रूप से समन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किए जाने का काम अब पूरा हो गया है. अब हमारा प्रस्ताव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाए जाने का है. Honorable Speaker, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उसकी न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड 50,00,000 रुपए से अनधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अनधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अनधिक किया जाए. इससे 2,00,000 से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी. एक अन्य उपाय जिससे स्टार्टअप और अभिनव कर्ताओं को लाभ पहुंचेगा के रूप में मेरा प्रस्ताव यह है
कि ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सकें और उनको किसी भी समय अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में बदलने की अनुमति दी जाए। ओपीसी के गठन के लिए भारतीय नागरिक के रूप में उनके आवासन की सीमा को 162 दिन की रखी गई है, उसे 120 दिन की जाए और अनिवासी भारतीयों एनआरआई को भारत में अपनी ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, ई कोर्ट सिस्टम को लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। आने वाले राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान हम डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू कर रहे होंगे। इस वर्जन 3.0 में ई स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे। ई कंसल्टेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट Disinvestment and strategic sale. विनिवेश और रणनीतिक विक्रय। कोविड 19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य कर